महाराष्ट्र सोलापुर के बोरगांव बारशी गांव के किसान राजेंद्र तुकाराम चौहान ने 17 फरवरी को 500 किलो प्याज मंडी में बेची। गाड़ी भाड़ा, तुलाई और मजदूर का पैसा काटने के बाद उन्हें मात्र 2 रुपए मिले। इसी के साथ उन्हें जो चेक मिला है उस पर तारीख भी 8 मार्च 2023 लिखी है। प्रदेश भर में जहां प्याज का दाम गिर रहा है, वहीं सोलापुर में भी एक किसान इसकी चपेट में आ गया। किसान हैरान है क्योंकि सोलापुर और उस्मानाबाद की सीमा पर दिन रात उगाई जाने वाली 512 किलो प्याज के बदले उन्हें महज 2 रुपए का चेक मिला। सोलापुर जिले के बरशी तालुका के ग्राम बोरगांव के किसान राजेंद्र तुकाराम चौहान ने अपने 2 एकड़ खेत में प्याज लगाई थी। राजेंद्र चौहान ने प्याज से प्राप्त धन से अपना कर्ज चुकाने के इरादे से प्याज के 10 बैग भेजे। 17 फरवरी 2023 को सोलापुर में सूर्या ट्रेडर्स प्याज के 10 बोरे का वजन 512 किलो था, लेकिन प्याज के दाम गिरने से किसान को 1 रुपए प्रति किलो का भाव मिला। हमाली तुलाई के साथ वाहन का किराया कटने के बाद 2 रुपए ही बचे। कृषि आय बाजार समिति के व्यापारी सूर्या ट्रेडर्स ने राजेंद्र चौहान के पक्ष में 2 रुपए का चेक दिया। पूर्व सांसद ने राजेंद्र चौहान का दर्द सोशल मीडिया पर साझा किया। स्वाभिमानी शेतकर संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी ने सत्ताधारियों की आलोचना करते हुए सवाल किया कि एक व्यापारी को 2 रुपए का चेक देते हुए उन्हें शर्म कैसे नहीं आई। इस बीच प्याज व्यापारी ने इस संबंध में किसान के सभी आरोपों का खंडन किया। व्यापारी के दावे के मुताबिक किसान राजेंद्र चौहान ने 31 दिसंबर से उसे प्याज बेचनी शुरू की। 5 बार प्याज बेचने के बाद उसे 2,30,000 का भुगतान किया जा चुका है। उन्हें बताया कि 17 फरवरी को लाई गई प्याज बची हुई खराब प्याज थी, तो उन्हें मूल्य का अनुभव नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर,